नमस्कार, बहुत स्वागत है। दिनांक 29 जुलाई को पैदा हुए लोगों के इस बेहद खास कार्यक्रम शुभ जन्मदिन में मैं हूं आपके साथ, आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 29 जुलाई, चंद्रमा वृषभ राशि में, सुबह 6:54 तक, इसके बाद मिथुन में। नक्षत्र आज का मृग शीर्ष है। आज दिनांक 29 जुलाई को आपका बर्थडे खास बन गया क्योंकि सावन है और आज प्रदोष, तो बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हूं मैं। और ये 4 से 5 मिनट 6 मिनट मैक्सिमम का कार्यक्रम होता है, इतने में ही पूरे वर्ष का सारांश कमोबेश 70% तक एग्जैक्ट दे ही देता हूं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं 29 जुलाई को पैदा हुए लोगों की शिक्षा कैसी रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में लाभ के अवसर पूरे साल बने रहेंगे। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसको आप क्वालिफाई ना कर पाए। थोड़ा इंटरव्यू वगैरह में दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट के क्षेत्र में तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मुश्किलें आएंगी। लगभग नवंबर से फरवरी के बीच का समय इमोशनली थोड़ा सा ब्रेकडाउन का होगा, लिहाजा पढ़ाई प्रभावित होगी। 29 जुलाई को जन्म पाए लोगों के लिए व्यापार बहुत अच्छा है। बिजनेस में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, अच्छा चलेगा। व्यापारिक घाटे की भरपाई लगभग सितंबर के बाद होने लग जाएगी। दिसंबर जनवरी में कहीं जमीन में निवेश आदि हो सकता है। वाहन परिवर्तन करने के लिए फरवरी मार्च का महीना अच्छा रहेगा। और अगर बिजनेस में एक्सटेंड करना चाहते होंगे तो जून 18 के बाद सन 2020 में ट्राई करिएगा। इन बिटवीन पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स सितंबर और फरवरी में मेजर आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर, 29 जुलाई को पैदा हुए लोग प्राइवेट सेक्टर में क्या कमाल करने जा रहे हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा इस साइड में ब्लैक दिखाई देगा, यहाँ पर एक लाइट नहीं है, इन्वर्टर से कम लिया गया है। सावधानी के साथ एक बात और समझने की आवश्यकता है, स्वयं को साध के रखिएगा बिजनेस में। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति टफ रहेगी, नौकरी में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, नौकरी टूट भी सकती है, नौकरी छूट भी सकती है। कुछ मित्रों के वजह से नौकरी में अकस्मात समस्या गंभीर हो सकती है। ये मित्र आपके लिए मुसीबत पैदा करेंगे। कब? दिसंबर लास्ट में, फरवरी मार्च में कुछ धन को ले दे करके मुश्किलें आ सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, प्रमोशन सितंबर में, नवंबर में और फरवरी में, स्थानांतरण सितंबर में, दिसंबर में और मई में, ट्रांसफर पूरी संभावना है। बस आप क्रम में हो, वैसा नहीं कि अभी पिछले साल हुआ और फिर आप क्रम में आ गए, ऐसा नहीं है, बट फिर भी पॉसिबिलिटी तो उन महीनों में बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी, कमोबेश समस्याएं नहीं आएंगी, छोटी मोटी आएंगी तो किसी बड़े बुजुर्ग के इंटरफेरेंस से वो दूर हो जाएंगी। ऐसा संभव है। ये हो सकता है, इसकी स्थिति बन सकती है, सावधान रहिएगा। आप अपने आप को साध के रखिएगा दाम्पत्य जीवन के मामले में। बस बुजुर्गों का हस्तक्षेप लेते रहिएगा। लव लाइफ सिचुएशन टफ रहेगा, थोड़ा सा ब्रेकअप की संभावनाएं ज्यादा है, मेजर है,
किसी अन्य के जीवन में प्रवेश की भी संभावना बहुत प्रबल बन रही है। टफ महीने नवंबर रहेंगे, फरवरी रहेगा और मई रहेगा। उपाय क्या करना है आपको, ये भी एक जानने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक चीज़ है ये। पहले स्वास्थ्य जान लीजिएगा। आँखों की तकलीफ पूरे वर्ष रहेगी, शुगर बढ़ता हुआ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। महिलाओं के लिए थायराइड और कुछ गायनी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। उपाय है, 3 बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपहार देना है और 3 लोगों को भोजन कराना है। बस इतना सा कर लीजिएगा, समय अनुकूलता लेकर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। आज इनकी शादी की सालगिरह है, 3 शाम लगातार आज से ही 3 पीपल के पौधे कहीं लगाना है पति पत्नी मिलकर, और 3 सफाई कर्मचारियों को अन्न और वस्त्र का दान करना है। अन्न भी कर दीजिएगा, वैसे तो लिखा खाली वस्त्र है। शुक्रिया, आभार। ज्योतिष जराहट के ठीक 11 बजे देखिएगा सावन में शिव कैसे आपको नौकरी का वरदान देंगे। नमस्कार।